Korg X5D। तो गाइज आप भी अपना Korg कीबोर्ड जो मॉडिफाई करवाना चाहते हो या उसकी कीज जो येलो हो गई है तो आप उसको पूरा वाइट करवाना चाहते हो, यू नो ये काफ़ी पुराना मॉडल है और आज की डेट में भी काफ़ी सारे लोग जो है Korg X5D जो यूज़ कर रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको परचेस करने हैं तो RK म्यूजिक वर्ल्ड रौनक भाई इसके जो वो ऑनर है वहीं पर आप जरूर से विजिट कीजिएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अपना कीबोर्ड जो मॉडिफाई करवाना है, नया इंस्ट्रूमेंट परचेस करना है, वॉट एवर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी काम है तो RK म्यूजिक वर्ल्ड डीसा। तो गाइज आज हम देखेंगे Korg X5D को मॉडिफाई करवाने के बाद उसका लुक कैसा आपको देखने को मिल जाता है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स, तो आइए चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक RK म्यूजिक वर्ल्ड डीसा से और आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सिंथेसाइजर कीबोर्ड X5D Korg जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन आपको ये लुक में ये कीबोर्ड पहली बार देखने को मिला होगा। बल्कि ये ओरिजिनल रोलैंड Korg X5D ही है, लेकिन 2020 के बाद में फैंटम सीरीज हमारे इंडिया में और सब जगह पे ज़्यादा चल रही है तो इसको हमने मॉडिफाई किया है। इसकी ओरिजिनल बॉडी ब्लैक कलर की होती है, इसकी बॉडी वगैरह ओरिजिनल ही है, लेकिन इसके ऊपर हमने पूरा कंप्यूटराइज इसमें जो भी प्रिंटिंग वगैरह है वो हमने किया है। और कोई भी मॉडल के आपको मॉडिफाई करवाना हो, आपका कीबोर्ड है, ऑक्टोपैड है, सब हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसमें आप देख रहे हो इसका मॉडिफाई का रिजल्ट देखिए आप, और ये लाइफ टाइम वाला है, इसको आप रिमूव करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये थ्री लेयर है विनाइल कोटिंग और इसमें सीरीज नंबर वगैरह प्रॉपर जो कंपनी का आता है वही रहता है। और इसकी कीज़ आप देख रहे हो, बहुत सारे टाइम के बाद कीबोर्ड पड़े रहते हैं, ब्लैक की होती है उसकी भी शाइनिंग डल हो जाती है, और जो वाइट कीज़ होती है आप देख रहे हैं इसकी की एकदम वाइट है। रियल में 15 दिन पहले इसकी की येलो थी, लेकिन हमारे पास ऐसी इसकी मशीनरी टेक्नोलॉजी है, इससे आप कोई भी कीबोर्ड हो आपका रोलैंड Korg केशियो यामाहा उसको वाइट करवा सकते हो की को। आप देख रहे हो बाकी कहीं इसका मॉडिफाई और ये कीबोर्ड भी हमारे पास सेल करने के लिए है, तो अभी हम इसको आपको बजा के दिखाएंगे। इसके टोन्स वगैरह भी हमारे पास मिलते हैं, जो बहुत ही प्यारी होती है, रोलैंड से भी ज़्यादा अच्छी Korg में स्ट्रिंग होती है, ये आप देख ही रहे हो। अभी इसका गिटार बजाएंगे, thank you।
XT60 के बाद में एक यही ऐसा कीबोर्ड रहा है कि बहुत ही माना हुआ कीबोर्ड है गुजरात राजस्थान में। और इसकी टूटी देखिए आप, मैंडोलियन।